आखिरकार नवाज शरीफ ने घुटने टेक दिए, आखिरकार पाकिस्तान का गुरूर टूट गया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रणनीति के आगे फेल हो गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पीएम मोदी ने जिस तरह पाकिस्तान को अलग थलग किया, आतंक के मुद्दे पर जिस तरह पाकिस्तान को बेनकाब किया, उसके बाद नवाज शरीफ के पास और कोई चारा ही नहीं था। ब्रिटेन में कॉमनवेल्थ समारोह और फिर प्रधानमंत्री डेविड कैमरन के साथ मुलाकात के बाद नवाज शरीफ ये कहने के लिए मजबूर हो गए कि वो भारत के साथ बिना शर्त बातचीत के लिए तैयार हैं। नवाज पूरी दुनिया का रुख देख रहे हैं, ये समझ रहे हैं कि कैसे पीएम मोदी की लगातार कोशिशों के चलते अब दुनिया के बड़े देश पाकिस्तान की असलियत समझ गए हैं। देखिए, पीएम मोदी ने किया मजबूर, टूटा पाकिस्तान का गुरूर। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण तिवारी। खबरों में खास में आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोशिशों के चलते बैकफुट पर आए पाकिस्तान की। आज तक पाकिस्तान हमेशा कहता था कि बिना कश्मीर मुद्दे के वो भारत के साथ बात नहीं करेगा, लेकिन अब उसके सुर बदल गए हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने कहा है कि वो भारत के साथ बिना शर्त बातचीत के लिए तैयार हैं। दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान को इतना अलग थलग कर दिया है कि उसका गुरूर टूट गया है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। जो पाकिस्तान अब तक शर्तें थोपता था, जो पाकिस्तान अब तक झूठे आरोप लगाता था, जो पाकिस्तान जानबूझकर भारत से बातचीत को रद्द करवाने की कोशिश करता था, जो पाकिस्तान सोते जागते कश्मीर राग अलापता था, वो अब बैकफुट पर है। उसकी सारी हेकड़ी निकल गई है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को समझ आ गया है कि उनके देश की दुनिया में क्या हैसियत रह गई है। यही वजह है कि कॉमनवेल्थ देशों के प्रमुखों की बैठक के बाद जब नवाज शरीफ ब्रिटेन के पीएम डेविड कैमरन से मिले तो उनके सुर बदल गए। नवाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान भारत से बिना शर्त बातचीत के लिए तैयार है, पाकिस्तान भारत से दोस्ती वाले रिश्ते रखना चाहता है। नवाज की ये बातें सितंबर के आखिर में संयुक्त राष्ट्र में कही गई बातों से बिल्कुल उलट है। तब तो नवाज शरीफ भारत पर बातचीत के लिए शर्तें थोप रहे थे। Bilaterally in the spirit of the Lahore Declaration to resolve this dispute, the core issue of Jammu and Kashmir has to be resolved. This is the responsibility of the international community. We cannot draw a veil on the issue of Kashmir. संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली में तब नवाज के इन तेवरों की तीखी आलोचना हुई थी। अपने ही पड़ोसी के साथ बात करने के लिए इस अंतर्राष्ट्रीय मंच से नवाज शरीफ ने भारत के सामने चार शर्तें रखी थी। नवाज ने कहा था कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ हथियार का इस्तेमाल बंद करे, भारत सीमा पर सीज फायर का उल्लंघन बंद करे, भारत सेना की कार्रवाई की धमकी देना बंद करे, कश्मीर से सेना हटाए भारत। लेकिन नवाज अब ये शर्तें भूलकर भारत से अच्छे रिश्ते की बात कहने के लिए मजबूर हो गए हैं। भारत ने कब कहा कि बातचीत नहीं करेंगे, लेकिन वो बातचीत में खुद व्यवधान डालते हैं। 2014 में सरकार के गठन के वक्त से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोशिश कर रहे थे कि पाकिस्तान को सकारात्मक बातचीत के लिए तैयार किया जाए। अपने शपथ ग्रहण कार्यक्रम में उन्होंने नवाज शरीफ को आने का न्योता भी दिया था। इसके बाद ये उम्मीद बंधी थी कि पाकिस्तान का रवैया बदलेगा। ये उम्मीद उस वक्त और मजबूत हुई जब इस साल जुलाई में रूस के उफा में पीएम नरेंद्र मोदी और नवाज शरीफ की मुलाकात हुई। उफा में पाकिस्तान कश्मीर मुद्दे को अलग रखकर बातचीत के लिए तैयार हुआ था। तय हुआ था कि आतंक को केंद्र में रखकर बात की जाएगी, लेकिन पाकिस्तान लौटते ही नवाज शरीफ अपनी बात से पलट गए। पाकिस्तान ने कहा था कि बिना कश्मीर मुद्दे के वो भारत से बात नहीं करेगा। ये पाकिस्तान का वही पुराना अड़ियल रवैया था जिस पर भारत को हमेशा एतराज रहा है। ऐसे में अब सवाल ये कि क्या नवाज शरीफ इस बार अपनी बात पर कायम रहते हैं? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी नीड्स टू टेल द कंट्री, इज देयर अ बैक चैनल इन ऑपरेशन विद पाकिस्तान? आर वी टॉकिंग टू द पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट इन कोवर्ट और इन अ क्लोक एंड डैगर मैनर? दरअसल अपनी बात से पलटने का पाकिस्तान का पुराना इतिहास रहा है।
उसकी गलतियों की वजह से भारत पाकिस्तान बातचीत पटरी से उतरती रही है। पाक ने बातचीत के दो मौके गवाए। 22 अगस्त 2015 को पाकिस्तान ने भारत के साथ एनएसए स्तर पर बातचीत रद्द कर दी थी। 19 अगस्त 2014 को भी पाकिस्तान की हेकड़ी की वजह से विदेश सचिव स्तर की बातचीत रद्द करनी पड़ी थी। उस वक्त पाकिस्तान ने भारत से बात करने से पहले अलगाववादी नेताओं से चर्चा की पहल कर दी थी, जो भारत को मंजूर नहीं थी। अब भी अगर नवाज शरीफ भारत के साथ गंभीरता से बातचीत का इरादा रखते हैं तो फिर उन्हें अलगाववादी नेताओं से बात की जिद छोड़नी पड़ेगी। हालांकि उन्होंने ब्रिटेन में ये साफ नहीं किया कि भारत से बात करने से पहले अलगाववादियों को लेकर उनका रुख क्या होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। नवाज शरीफ भारत से बिना शर्त बात करने के लिए तैयार हो गए हैं, लेकिन क्या यह इतना आसान है? नवाज शरीफ के सामने चुनौती है भारत से बातचीत के मुद्दे पर अपनी ही सेना के मुखिया राहिल शरीफ से निपटने की। इधर एक शरीफ बातचीत की पहल करते हैं, उधर दूसरे शरीफ की सेना सीमा पर फायरिंग करने लगती है। सवाल ये इस बात का उठता है कि बातचीत के वक्त क्या ऐसा ही होगा? भारत से बात करने से पहले अपनी सेना से क्या कहेंगे नवाज? भारत से बात करने से पहले राहिल शरीफ से क्या कहेंगे नवाज? पाकिस्तान और भारत के बीच रिश्ते तो इस वक्त पाकिस्तान के दो शरीफ तय करते हैं। एक हैं प्रधानमंत्री नवाज शरीफ तो दूसरे हैं पाक सेनाध्यक्ष राहिल शरीफ। इस साल जुलाई में उफा में हुई बैठक में जब नवाज शरीफ भारत के साथ बिना कश्मीर मुद्दे के बातचीत के लिए तैयार हुए तो इसे बड़ा फैसला माना गया था, लेकिन दो दिन बाद जब वो अपने देश लौटे तो इस बात से पलट गए। माना जाता है कि नवाज के इस पलटी मारने के पीछे सेनाध्यक्ष राहिल शरीफ का दबाव था। इसके बाद पाकिस्तान सेना ने LOC पर फायरिंग अचानक बढ़ा दी थी। पाक सेना खास तौर पर भारतीय नागरिकों को निशाना बनाने में लगी थी। कोशिश ये थी कि भारत नाराज होकर खुद ही वार्ता रद्द कर दे, लेकिन बातचीत के लिए गंभीर भारत ने ऐसा नहीं किया। इसके बाद पाकिस्तान ने बयान देना शुरू कर दिया कि वो बिना कश्मीर मुद्दे के भारत से बात नहीं करेगा। नतीजा ये हुआ कि NSA स्तर की बातचीत आखिरी वक्त में रद्द हो गई। बातचीत और सीमा पे होती हुई घटनाओं का एक डायरेक्ट संबंध नहीं लगाना चाहिए। जो सीमा पे घटनाएं हो रही हैं उसका मुंह तोड़ जवाब देना सशस्त्र सेनाओं की जिम्मेवारी है, और जो राजनयिक पहल है जिसमें बातचीत होती है वो देश की के जो कूटनीतिक मामलों के सलाहकार हैं उनकी उसके ऊपर विचार होना चाहिए। पाकिस्तानी सेना का पुराना रिकॉर्ड गवाह है कि जब भी भारत और पाकिस्तान सरकार बातचीत की राह में आगे बढ़ते हैं तो सेना बौखला जाती है। आपको बता दें कि पिछले 4 साल में सीज फायर उल्लंघन के मामले 9 गुना बढ़ गए हैं। 2011 से 2014 के बीच पाकिस्तान ने 1104 बार सीज फायर तोड़ा। इस साल 30 जून 2015 तक पाकिस्तान 199 बार सीज फायर तोड़ चुका था। मतलब साफ है, पाकिस्तान की सेना को भारत के साथ बातचीत का रास्ता पसंद नहीं। भारत में आतंक फैलाने के लिए पाकिस्तानी सेना की मदद से लगातार आतंकियों की घुसपैठ कराई जाती है। सबसे ताजा आंकड़ा है कि इस साल अब तक आतंकी घुसपैठ की 62 बार कोशिश हुई है, जबकि पिछले साल 48 बार घुसपैठ की कोशिश की गई थी। अब तक 25 आतंकी भारत में घुसपैठ करने में कामयाब हुए हैं। इस वक्त 300 से ज्यादा आतंकी सीमा पार घुसपैठ के लिए तैयार बैठे हैं। ऐसे में भारत से बिना शर्त बातचीत की पहल करने वाली नवाज शरीफ सरकार अपनी ही सेना से कैसे निपटेगी ये देखना अहम होगा। As per the MAC figures this year, 25 infiltrations have taken place. That means 25 terrorists have infiltrated. सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि सर्दियों को देखते हुए पाकिस्तान सेना किसी भी कीमत पर ज्यादा से ज्यादा आतंकियों की घुसपैठ कराना चाहती है। जाहिर है नवाज शरीफ को भारत से बातचीत करने से पहले अपनी सेना की इस हरकत पर लगाम लगानी होगी, वरना एक तरफ सीमा पर फायरिंग और दूसरी तरफ बातचीत अब मुमकिन नहीं लगती। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7।
आप देख रहे हैं खबरों में खास और आज हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान का गुरूर कैसे टूटा है इसकी। भारत का हमेशा से पाकिस्तान को कहना है कि आतंक बंद करो, बातचीत की टेबल पर आओ, लेकिन पाकिस्तान के हुक्मरान इसे समझना नहीं चाहते। इसलिए सरकार बनने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के करीबी देशों को ही पाकिस्तान के खिलाफ लाखड़ा किया। अब पाकिस्तान के पास बातचीत के अलावा कोई चारा भी नहीं। पाकिस्तान के तीन सबसे करीबी मित्र देश अमेरिका, चीन और सऊदी अरब, लेकिन क्या आज अमेरिका पाकिस्तान के साथ उतनी मजबूती से खड़ा है जितना कुछ साल पहले था? क्या आज सऊदी अरब पाकिस्तान के उतना करीब है जितना कुछ वक्त पहले था? नहीं, अमेरिका और सऊदी अरब दोनों ही देश अब भारत के करीब हैं। आतंक के खिलाफ लड़ाई में भारत का साथ दे रहे हैं। ये सब हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोशिश के चलते। आतंकवाद को, उसको समर्थन करने वालों को एक और मानवता में विश्वास करने वाले दूसरी ओर, मानवतावाद में विश्वास करने वाले दुनिया के देश एक होकर के आतंकवाद के खिलाफ लड़ने का वक्त आ चुका है। पिछले 18 महीने में भारत और अमेरिका के बीच भी रिश्ते एक नई ऊंचाई पर पहुंचे हैं। इसी का नतीजा है कि पिछले महीने जब नवाज शरीफ अमेरिका गए तो उन्हें अमेरिका से दो टूक सुनना पड़ा कि आतंकवाद को संरक्षण देना बंद करो। नवाज शरीफ अपने साथ भारत के खिलाफ झूठी शिकायतों का पुलिंदा लेकर आए थे, लेकिन उसे अमेरिका ने कोई भाव नहीं दिया। वहीं चीन पाकिस्तान का सबसे करीबी भले हो, लेकिन भारत ने चीन के साथ भी नए रिश्तों की शुरुआत करके पाकिस्तान को अलग थलग कर दिया है। ऐसे में नवाज शरीफ के पास एक ही रास्ता बचा था, बातचीत। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने जो पेशकश की है कि वो भारत के साथ बिना किसी शर्त के बातचीत करने के लिए तैयार है, ये दर्शाता है कि विश्व जनमत का जो अप्रभाव है वो पाकिस्तान के ऊपर पड़ने लगा है। और विशेषकर पेरिस के आतंकवादी घटना के बाद विश्व जनमत जो है पाकिस्तान और उन सभी राष्ट्रों के काफ़ी हद तक खिलाफ हो चुका है जो किसी तरह से आतंकवादी गुटों को पनाह और शरण देते रहे। अब नजरें पाकिस्तान पर टिकी हैं। भारत का लगातार कहना है कि उसकी सिर्फ एक शर्त है, पाकिस्तान आतंक का रास्ता छोड़े। सवाल ये कि क्या पाकिस्तान अब इसके लिए गंभीरता दिखाएगा? क्या आतंकियों में फर्क करना बंद करेगा? आपको याद दिला दें कि पेशावर के स्कूल में मासूमों की हत्या के बाद नवाज शरीफ ने बड़ी बड़ी बातें की थी। अब उनका देश अच्छे और बुरे आतंकियों में फर्क करना बंद कर देगा। मैं समझता हूं कि जब तक ये दहशतगर्दी से इस मुल्क को मुकम्मल तौर पे पाक नहीं कर दिया जाता, ये जो है ये जदोजहद और जंग ये जारी रहेगा। नवाज शरीफ की कथनी करनी में घरेलू हालात की वजह से हमेशा फर्क दिखाई दिया है। अब वो भारत के साथ बिना शर्त बातचीत करना चाहते हैं तो उन्हें अपने देश में इस दबाव से भी निपटना होगा। भारत के खिलाफ साजिश रचने वालों को कुचलना होगा, तभी बातचीत कामयाब हो पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7।